सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हवा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, पतंग पूरी फटी जा रही है। और ये देखो कैसे उड़ना है सारे, ये देखो। सो गाइस आज हमारे पास दो बड़ी बड़ी तिरंगे झंडे वाली पतंग, तो हमने सोचा क्यों ना ये तिरंगे वाली पतंग लाई जाए और साथ साथ इन्हीं के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा किया जाए। तो जल्दी से कुछ करते हैं मजेदार, तब तक कर दो आप वीडियो को लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने जो पतंग बनाई थी वो तो एकदम फर्स्ट क्लास उड़ी, तो अब बारी है इस वाली पतंग को उड़ा के देखने का, क्या ये भी अच्छे से उड़ पाती है या नहीं। तो चलिए उड़ाते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारी पतंग जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास उड़ चुकी है। सो गाइस आज हम यूनिक क्या करने वाले, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कलर के बैलून है बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे इसको धागे में बांधेंगे, पहले ऑरेंज, फिर बीच में वाइट कलर के बैलून, फिर नीचे ग्रीन कलर के, यानी वही हम तिरंगे का कलर देने वाले हैं, उसके बाद उसको पतंग में बांध के उड़ाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को ज़रूर से कर दो यार सब्सक्राइब। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो जो कलर होते हैं वाइट और ऑरेंज वो तो लगा दिए हैं, अब लगाना बाकी रह गया ग्रीन वाला, तो वो मैं जल्दी से लगाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हवा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, पतंग पूरी फटी जा रही है। और ये देखो कैसे उड़ना है सारे, ये देखो झंडे को देखो, सब कुछ देखो कैसे उड़ा जा रहा है। हवा इतनी ज़्यादा तेज हो गई है, इस हवा में पतंग उड़ाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे बाल देख रहे हो कैसे सारे बेकार हो गए हैं। तो यार अब प्लान जो है वो कुछ इस तरीके का है कि हवा थोड़ी सी कम होगी उसके बाद हम उड़ाने का ट्राई करेंगे, अभी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, एक बार देख लो यार, ये देखो कैसे उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारी पतंग एकदम ऊपर पहुँच चुकी है, यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडे वाले बैलून बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम हो चुका है बिल्कुल ही ख़राब, देख पा रहे हो आप लोग एक बार, पूरे काले बादल जो हैं वो आ चुके हैं एंड पतंग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक बार आप लोग ज़रा देख लो, यहाँ देखो पतंग जो है कैसे लहर रही है, बादल एकदम काले काले आ चुके हैं। गई 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 गई। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी इस वीडियो कर दो लाइक और साथ साथ चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।